समाज में बुराई भी है अच्छाई भी है, परसेप्शन मत बनाइए। किसी के विषय में देखकर पहले से भरे मत रहिए। लोग कहते हैं मैं सत्य बोलता हूं, सत्य है कहां तुम्हारे पास? बचपन से तुम्हारे भीतर में जो पैमाने सेट कर दिए गए हैं यूनिट्स, अब तुम्हारे सामने जब कोई घटना आती है तो उस यूनिट से तुम चेक करते हो, मिला लेते हो, हाँ ए ए ठीक ओके। तुम्हारा निर्णय कहां है? तुम कहां हो? यू आर एब्सेंस, डेड, तुम हो ही नहीं। सारी मान्यताओं के आधार पर हमें बताया गया, इसको अच्छा बोलते इसको बुरा बोलते, इसको सत्य बोलते इसको सत्य बोलते, इसको इसको भलाई बोलते इसको बुराई बोलते। तुम जानते हो, कभी सोचा खुद से, अच्छाई क्या बुराई क्या, धर्म क्या अधर्म क्या? ये तुम्हारा विचार किया हुआ है या समाज ने जो तुम्हें बताया है बस वही फिट करके यहां रखे हो सॉफ्टवेयर? कोई सामने आया और वो मिला के देखा, अच्छा ऐसा बुरा होता, ये आदमी बुरा है। ओहो, तुम मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, परमात्मा ने तुम्हें इंडिविजुअल भेजा यहां पर, यूनिक हो तुम, उनकी संतान हो तुम, चिंतन के लिए आए हो, मनन के लिए आए हो, ईश्वरत्व को उपलब्ध होने के लिए आए हो। रोबोटों की तरह काम कर रहे हो, प्रोग्रामिंग फिट है तुम्हारे भीतर, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा। अरे तुम चिंतन करो, तुम सोचो क्या गलत क्या सही। कई चीजें कई कई को कहते हैं कई कई बुरी है, मंथरा से बात सुन ली, एक जगह देखो तो बुरी है, पर जब राम जी जाकर गिड़गिड़ाते हैं कई कई के सामने कि ये सब मिलकर मुझे राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं, हे मां एक तू ही है जिसने बचपन से मुझे दूध पिलाया है, अगर आज मैं राजगद्दी पे बैठ गया तो 14 वर्ष तक जो मुझे वन में जाना है सबरी इंतजार करती है। ऋषियों की हड्डियां के पहाड़ बन गए हैं, राक्षसों के अत्याचार है, मां कृपा करो मेरे ऊपर, मां मुझे जंगल जाने दो। मैया बड़ी खतरे हैं इसमें, पिताजी की मृत्यु भी हो सकती है। मां तेरा बेटा तुझे गाली दे सकता है। मां सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर एक काला टीका लग जाएगा। और कई कई राम को हृदय से लगा लेती है, वो मैया ही कैसी जो अपने बेटे के लिए इतना भी सहन न कर सके। तू जरूर जाएगा, मुझे जो जो काले टीके लेने हैं मैं लूंगा। अब बताओ कई कई बुरी है आज? ये दो धाराएं हैं राम कथा की, और दो नहीं, मेरे पास 25 धाराएं हैं राम कथा की। मेरे पास क्यों? संत के पास है, जिसने भी चिंतन किया उसके पास। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं बस चिंतन स्वयं करता हूं, परिस्थितियों का आकलन मैं समाज के बनाए हुए मानदंडों पर नहीं करता। शराबी आदमी बुरा है, शराबी तो मेरे साथ बैठते, शराब पीकर गुरुजी के पास मत जाना, मत छूना, हम ज्ञान दे बैठने दे, और उसको ही गले लगाया, उसको ही प्रसाद दिया, और ये बड़ा दुष्ट है, बहुत इसके गंदे आदत है, इसको मत बिठाना, बोला इसी को आने दे मेरे पास। मैंने मान्यताओं पर अपना जीवन नहीं जिया। किसी ने अच्छा कह दिया तो छाती इतनी फूल गई, और किसी ने बुरा कह दिया तो तुम मुरझा गए। तुम हो कौन? पपेट, पुतले? तुम्हारी चाबी दूसरों के हाथ में? अरे परमात्मा ने तुम्हें मनुष्य बनाकर भेजा था, जानवर नहीं, कुत्ते नहीं, गधा नहीं बनाया, सांप नहीं बनाया, मनुष्य बनाया। बुद्धि पशुओं में भी है पर विवेक सिर्फ मनुष्यों में है, विस्डम। लेकिन उस विवेक का इस्तेमाल तुमने नहीं किया। छोटे थे तब से माता ने, पिता ने, संसार ने, समाज ने, बुआ ने, भाई ने भर दिया, इसको अच्छा बोलते इसको बुरा बोलते, इसको ऐसे करना, ये अपने हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये मामी हैं, ये पापा हैं, ये चचेरा भाई है, ये अपना भाई है, ये फुफेरा है, ये अपना है। सुनो, सदा अपना लाभ देखना, दूसरे के चक्कर मत फंसना। सड़क पे कोई गिर के मर रहा हो जाना मत, मुकदमा हो जाएगा, लफड़े में मत फंसना, कानून बड़ा खराब है, सब सेट हो गया। मर गई करुणा, मर गई तुम्हारी आदमियत, मर गई तुम्हारी इंसानियत, और ये शिक्षा तुम्हें दिया किसने? तुम्हारे शत्रु ने, राक्षस ने, एविल डेविल?
तुम्हारे अपने लोगों ने, उनकी भी गलती नहीं है। मां बाप शत्रु नहीं है, मां बाप तुम्हारा बुरा समझ के कुछ नहीं समझाते, लेकिन आफ्टर ऑल हिज एंड सी इज ऑल्सो एन ऑर्डिनरी मैन और वुमेन, सी इज नॉट गॉड, नॉट अ थिंकर, नॉट अ सेंट, नॉट अ फिलोसफर, नॉट अ गाइड, एक साधारण मनुष्य है जो ममता रखते हैं तुम्हारे प्रति, मेरा बेटा सबसे ऊपर रहे, खुश रहे, शांत रहे, लेकिन रहेगा कैसे वो उनको भी पता नहीं। उनको जो मिला अपने माता पिता से वो तुम्हें दे दिए। ये उधार के ज्ञान से और उधार के परंपराओं से ये कभी भी तुम्हारे जीवन में, मैं बार बार कहता हूं, जो पुष्प खिलने चाहिए कृष्ण प्रेम के वो नहीं खिल सकते। बदलना पड़ेगा तुम्हें,